तो हम आपसे कुछ गलत बोले हैं ये बताइए। ये बताओ गेट पे क्या लिखा हुआ है, 9777 4 9 double। तो गाली कुछ हमने दारू ला के दे और अपनी नौकरी का भाई लोग, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस से मैं रांची जंक्शन पहुंचता हूं और सेम डे मेरी ट्रेन होती है हटिया रेलवे स्टेशन से, तो मैं हटिया रेलवे स्टेशन बाई बस आता हूं और इसके बाद दोस्तों खाना वगैरह हम लोग बाहर से ही खा लेते हैं। मखान भोग रेस्टोरेंट है दोस्तों, ये आपको हटिया रेलवे स्टेशन वाली रोड पे ही पड़ेगा, मेन हाईवे के पास ही। सो अगर आपकी भी ट्रेन हटिया से होती तो आप इस रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि हटिया रेलवे स्टेशन थोड़ा अंदर है हाईवे से। और इसके बाद हम तो गाइस हम लोग हटिया रेलवे स्टेशन से, हमारी नेक्स्ट ट्रेन है, तो हम लोग इधर से आ गए फुटकाट से और ये रहा हटिया रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। तो भाई लोग अगर फ्रंट गेट से एंट्री करते हैं हटिया रेलवे स्टेशन पे तो ट्रेन छूट सकती थी, क्योंकि दोस्तों हाईवे से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर अंदर है और मैं पैदल ही चल के आया हूँ, सो इस वजह से थोड़ा सा शॉर्टकट लेना पड़ा। तो कुछ इस तरह का है हटिया रेलवे स्टेशन। और आज की जर्नी होने वाली हटिया से पुरी के बीच चलने वाली तपस्वनी एक्सप्रेस में। दोस्तों टिकट मैंने बुक की थी स्लीपर क्लास की, बट अपग्रेड होकर के 3rd AC में पहुँच गई है और 3rd AC में हमारी कोच है B6। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर दोस्तों, आज की जर्नी जो होने वाली है भाई लोग ये रहा B6 कोच। तो चलते हैं कोच के अंदर और आपको अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। तो चलते हैं कोच के अंदर। तो कुछ इस तरह का है अंदर का इंटीरियर और ब्लैंकेट पिलो वगैरह सब सीट पे रख दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और जो सीट नंबर है मेरी 19 नंबर अपर बर्थ मिला है मुझे। तो भाई लोग सामने की तरफ आपको एक मिरर मिल जाता है और सारे बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिए गए हैं और सारे सामान पिलो ब्लैंकेट वगैरह अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है पहले से ही। तो कुछ इस तरह का 3rd AC कोच। तो ट्रेन डिपार्चर होने में अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है 5 मिनट का। तो चलिए तब से आप लोगों को मैं इस ट्रेन के साथ कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है तो लोकोमोटिव दिखाता हूँ सबसे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1845-1 हटिया से चलकर झलसगुड़ा जंक्शन के रास्ते पुरी को जाने वाली। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, लाल गुड़ा का WAP 7 लगा हुआ है तपस्वनी एक्सप्रेस में। सो आज की जर्नी स्टार्ट होने वाली हटिया रेलवे स्टेशन से, तो वीडियो में बने रहना, 2-3 मिनट में डिपार्चर होने वाला है। तो चलते हैं अपने कोच की तरफ और आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो तब तक। तो भाई लोग बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ से डिपार्चर ले रही है तपस्विनी एक्सप्रेस हटिया रेलवे स्टेशन से, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। तो भाई लोग ये है हटिया का वॉशिंग लाइन, यहाँ पे ट्रेनें वगैरह साफ होती होंगी। लोग हमारी ट्रेन गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। टोटल डिस्टेंस 41 किलोमीटर कवर कर चुकी है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसका स्टेशन कोड है GVDP। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है ये रेलवे स्टेशन और डिवीजन हुआ इसका चक्रधरपुर डिवीजन में आता है ये रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 1 मिनट का ये स्टॉपेज है, ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है। सो फाइनली दोस्तों 1 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन से, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, फिर मैं इसके बाद आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग चल रहे हैं दक्षिणपुर रेलवे
और मंडल तो चलिए आप लोगों को इसका बाथरूम दिखाते हैं कि बाथरूम कैसा है। इधर है देख सकते हैं बेसिन साफ है, मिरर भी साफ है, मिरर भी साफ है और इधर इंग्लिश टाइप है, लोटा बंधा हुआ है, नहीं बांध तो नहीं रखा, सिक्कर नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों स्मेल भी काफी अच्छा आ रहा है वॉशरूम में तो, और यहाँ पे टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है। और ये देखिए ये गेट पे क्या लिखा हुआ है, 9777490096, आगे आप पढ़ ही सकते हैं। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पकड़ा रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है तपस्वनी एक्सप्रेस का, इसका स्टॉपेज है बानो रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे लूप लाइन पे लगाया गया है। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन ओवरटेक करती है तपस्वनी एक्सप्रेस को, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। अरे इधर पहले है उधर बोलते दारू मंगा दोगे तो खाना खाएंगे, जो केविन में बैठा हुआ है हमने बोला तुम कार्ड बना लो काली कुर्ते से, हम लोग दारू ला के दे और अपनी नौकरी खाए, जो दारू पीना था घर से लेके आए थे। कहाँ के वो लोग, भाई लोग 20 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन बानो रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और टोटल डिस्टेंस 93 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है तपस्वनी एक्सप्रेस। इसका स्टेशन कोड है BANO, एक मिनट का ये स्टॉपेज है। ये रेलवे स्टेशन रांची डिवीजन में आता है और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। चलो भैया लाइन सिग्नल होगा, कौन सी है अपनी B6। तो भाई लोग अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज राउरकेला जंक्शन पे, क्योंकि बीच में एक स्टॉपेज और है दोस्तों औरगा रेलवे स्टेशन, जिसे मैं स्किप करने वाला हूँ। तो आप लोग व्यू एंजॉय करो, साथ ही वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए रेल ब्लॉग्स आती रहेंगी। भाई लोग हटिया से राउरकेला के बीच सिंगल लाइन है, जिस वजह से डाउन लाइन पे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको निकालने के लिए हमारी ट्रेन को टट्टी रेलवे स्टेशन पे खड़ी कर दी गई थी। फाइनली डाउन लाइन से गाड़ियां निकल चुकी है, तो हमारी ट्रेन को यहां से डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, इस स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं था। तो अब मैं सीधा आपसे मिलता हूँ राउरकेला जंक्शन पे, टट्टी रेलवे स्टेशन, टट्टी।
भाई लोग स्लीवर कोच का हाल देखिए, कैसे पूरी भीड़ खड़ी है। अगर मेरी टिकट अपग्रेड नहीं हुई होती तो इसी में सर रहे होते, बट जैसा भी हुआ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला थर्ड एसी में आकर के। भाई लोग अपनी ट्रेन राउरकेला जंक्शन अराइवल हो रही है, तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो। तो गाइस अपनी ट्रेन राउरकेला रेलवे स्टेशन जाके ऑन टाइम खड़ी, लेट खड़ी हुई है। भाई लोग राउरकेला जंक्शन 25 मिनट की देरी से आई है। यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल टाइम था 7:10 और ट्रेन आई है 7:35 पे आई है। इसका स्टेशन कोड हुआ ROU। ये रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है और डिवीजन इसका चक्रधरपुर पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1891 ईस्वी में और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था 1961 में। तो दोस्तों हटिया से राउरकेला के बीच डबलीकरण का भी कार्य चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 हैं और यहाँ पे तपस्विनी एक्सप्रेस का स्टॉपेज है, 10 मिनट का स्टॉपेज है। तो दोस्तों अगर आप राउरकेला जंक्शन से निकलते हो तो यहाँ पे आपको वेज बिरयानी, ये पगला घूम रहा, अंडा बिरयानी वगैरह खाने पीने का आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा काफ़ी अच्छे प्राइस पे। तपस्विनी एक्सप्रेस में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी गई है, तो जो पेंट्री है इसमें साइड पेंट्री की सर्विस मिलती है, तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया है। बाकी ये रहे पेंट्री वाले भैया, तो इनका खाना मैं टेस्ट करके बताऊंगा। राउरकेला जंक्शन पे इनका खाना आ चुका है। तो अरे भैया खाना आ गया, अरे यार अभी तो अंदर ही आना पड़ेगा। तो हम आपसे कुछ गलत बोले हैं ये बताइए। फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर राउरकेला जंक्शन से हो चुका है। तो दोस्तों चलते हैं, डिनर का टाइम हो चुका है, तो खाना खा के रिव्यू करके आपको बताता हूँ। तो आप लोग राउरकेला जंक्शन से डिपार्चर इंजॉय करो। भैया कछो दिखो ही ना है, शाबाश। बाय बाय। तो दोस्तों कुछ इस तरह का खाना का आप लोग देख सकते हो, 2 पूरी सब्जी दाल और 1 सूखी सब्जी पापड़ और चावल दिया है। तो गाइस खाना हमने खा लिया और तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना का टेस्ट बिल्कुल सही नहीं था, बस कान चला हुआ था। तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच तो नहीं है, तो खाना आप लोग घर से ही लेके चले, या आप लोग राउरकेला में खाना वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है। तो इसमें खाना ना ही ले तो बेटर है इस ट्रेन में। और ट्रेन हमारी राउरकेला जंक्शन के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज बोमरा रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फूड का रिव्यू तो दे ही दिया, छोटा सा रेलवे स्टेशन है बोमरा और इसका स्टेशन कोड है BMB। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है, डिवीजन इसका चक्रधरपुर पड़ता है। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म और 3 ट्रैक्स है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, 2 मिनट का ये स्टॉपेज है। तो फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है बामरा रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। इसके बाद दोस्तों मैं सोने वाला हूँ और सीधा मैं मिलूंगा आपसे कटक रेलवे स्टेशन पे अर्ली मॉर्निंग में। तो दोस्तों बामरा से आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। भाई लोग मैंने ब्लैंकेट वगैरह बिछा लिया है, तो अब सोते हैं और मैं मिलता हूँ सीधा आपसे कटक रेलवे स्टेशन पे। भाई लोग रात में नींद काफी अच्छी आई थी, सो मेरी नींद नहीं खुल पाई कटक रेलवे स्टेशन पे। सो कटक स्किप हो चुका है, जो नेक्स्ट स्टॉपेज है भुवनेश्वर। तो हमारी ट्रेन लगभग भुवनेश्वर पहुंचने ही वाली है, तो आप लोग व्यू एंजॉय करो। बाकी दोस्तों कटक रेलवे स्टेशन को रिटर्निंग में कवर करेंगे अच्छे से, तो अभी फिलहाल आप लोग व्यू एंजॉय करो।
भाई लोग फाइनली अपनी ट्रेन भुवनेश्वर अराइवल हो रही है और यहाँ पे ट्रेन 3 घंटे 6 मिनट की देरी से आई है, तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो। भाई लोग तपस्वनी एक्सप्रेस का भुवनेश्वर आने का टाइम है 4:10 पे, बट ट्रेन आई है 3 घंटे 6 मिनट की देरी से 7:16 पे। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे तपस्वनी एक्सप्रेस का 5 मिनट का ये स्टॉपेज है। इसका स्टेशन कोड है BBS और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आती है। डिवीजन इसका खुर्दा रोड ही पड़ता है और इसे ओपन किया गया था 1896 में, इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 2001 में। और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म हैं, 8 ट्रैक्स हैं। भैया कॉफ़ी है क्या? मुझे तो पीना है ना यार, देना एक कॉफ़ी। पेटीएम हो जाएगा ना, फोन पे निकाल तू पिए। कितने की है? 15। भाई लोग 15 रुपए की कॉफ़ी ली है, कुरवे वाली, काफ़ी अच्छा कॉफ़ी है। सो आप भी ट्राई कर सकते हो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे कुरवे वाली। सो फाइनली अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पे। आप लोग व्यू एंजॉय करो। अब वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई लोग खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आके खड़ी हो गई। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का ये स्टॉपेज है और ट्रेन लगभग 3 घंटे की देरी से चल रही है। तो खुर्दा रोड जंक्शन है, यहाँ से हावड़ा चेन्नई मेल लाइन निकलती है और एक लाइन चली जाती है पुरी की तरफ। तो अपनी ट्रेन पुरी की तरफ जाने वाली है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। और मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधा पुरी रेलवे स्टेशन पे, तो आप लोग व्यू एंजॉय करो और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। ओ भैया बाय बाय, इधर भी तो भाई लोग फाइनली अपनी ट्रेन पूरी अराइव हो रही है अपनी डेस्टिनेशन। 2 घंटे 50 मिनट की देरी से आई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो दोस्तों आप लोग व्यू एंजॉय करो, तब तक मैं अपना बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ और चलते हैं अब सीधा बाबा के दर्शन करने। तो कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन जय जगन्नाथ लिख के भर दो। भाई लोग पूरी फेमस है जगन्नाथ धाम के नाम से, तो चलते हैं अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जगन्नाथ बाबा के द्वार पे। तो भाई लोग कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। फाइनली मैं टेंपल के नज़दीक आ चुका हूँ, तो अब करते हैं दर्शन वगैरह, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन जय जगन्नाथ बाबा लिख के भर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।